हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जिसमें एक बहुत ही अच्छी न्यूज आई है, पॉजिटिव न्यूज है, और जिसका इम्पैक्ट उस स्टॉक पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पड़ेगा आने वाले टाइम में। और स्टॉक तो बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छे अभी जंक्शन पे है टेक्निकली भी। तो बात करते हैं स्टॉक की। और दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम उन स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करते हैं जो किसी ना किसी फॉर्म में ब्रेकआउट दिखाने का पोटेंशियल रखते हैं, आइदर वो न्यूज बेस्ड हो या टेक्निकल बेस्ड हो, फंडामेंटल बेस्ड हो या टेक्नो फंडा बेस्ड हो। तो उन स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करते हैं और बाद में वैल्यूएट करते हैं कि क्या हमारी एनालिसिस या ब्रेकआउट सही रहा या नहीं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो स्टॉक का नाम है कंटेनर कॉर्प। बेसिकली कंटेनर कॉर्प करता क्या है? तो कंटेनर कॉर्प एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंटेनर्स बाय रेल। तो जो भी कार्गोज शिप्स के थ्रू पोर्ट्स में आते हैं उनको एक पोजिशन से दूसरी लोकेशन में जमीन के थ्रू रेल, बेसिकली रेलवे नेटवर्क के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये इसका स्पेसिफिक है और तो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे ई कॉमर्स का चलन बढ़ रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गो, और इंडिया एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर बन रहा है, तो कमर्शियल वायबिलिटी के हिसाब से बहुत ही अच्छा स्टॉक है और बहुत ही अच्छा ये पोटेंशियल दिखाता है। तो अगर आप देखें तो फंडामेंटल्स इसके काफी अच्छे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें जो ग्रोथ है वो बिल्कुल कांस्टेंट है थ्रू आउट द, बाकी हमेशा ये कांस्टेंट ग्रोथ दिखा रहे हैं। और अब देखेंगे तो मार्च 2012 में इनकी जो सेल्स थी वो 4000 करोड़ की थी, जो बढ़ के अब डबल हो गई है ऑलमोस्ट 8-10 साल में। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो देखिए हमेशा इनका अच्छा मेंटेन रहता है, क्योंकि बीइंग अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये एक रेलवे नेटवर्क के थ्रू अपना कार्गो मैनेज करते हैं, इसलिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। अब क्यों ये ब्रेकआउट दिखाने का पोटेंशियल लगता है, इस बात में टेक्निकल से बाद में आएंगे। उसके पहले एक न्यूज पे आते हैं कि जो लास्ट वीक न्यूज आई कि गवर्नमेंट कंप्लीट्स ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर एंड ऑपरेशन बिगिंस ऑफ नवंबर। तो सरकार ने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट था जो उनका, जिसमें ऑलमोस्ट 1300 किलोमीटर का स्ट्रेच था स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब टू बिहार, उसको कंप्लीट कर लिया है। और ये जो ट्रैक है ये डेडिकेटेडली कमर्शियल यूजेज के लिए बनाया गया है। तो हमने देखा कि पहले कमर्शियल व्हीकल्स, कमर्शियल रेल, रेलवे ट्रैक्स और पैसेंजर रेलवे ट्रैक साथ में चलते थे, तो उनको रोक के बहुत टाइम लगता, इसकी वजह से लोगों का भरोसा इस पे रेलवे ट्रांसपोर्ट पे कम होता था कंपनीज का, क्योंकि बहुत टाइम लेते थे। अब डेडिकेटेड कॉरिडोर बना दिया गया है, वो रेडी भी हो गया है ईस्टर्न का, तो और ये ऑपरेशन भी शुरू हो गया है। अब इससे जो बेनिफिट मिलेगा वो देखिए सबसे ज्यादा मिलेगा कंपनीज को तो मिलेगा ही, जैसे बात करें कि क्योंकि ये जो स्ट्रेच है ये काम कर ये चलता है पंजाब से लेके बिहार तक, तो बिहार से बहुत ही ज्यादा हमारे कोल निकलता है, मिनरल्स निकलते हैं, तो थर्मल पावर प्लांट्स को बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि जल्दी उनको और सस्ते में उनको कोल मिलेगा। तो पहले जैसे ट्रक से आ रहा है या फिर किसी और मीडियम से आ रहा है तो उसमें टाइम लगता था, या फिर ट्रेन कंटेनर्स के थ्रू आ रहा है तो भी 50-60 घंटे लगते थे, जो कि अब स्ट्रेच के बाद ये जो टाइम लगेगा ये लगेगा 18-20 घंटे में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी। और करंटली 140 ट्रेन चल रही है ऑन सेवरल सेक्शन EDFC, और उनकी जो कैपेसिटी है वो 250 ट्रेन तक की है। तो आप समझेंगे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो 250 ट्रेन तक कैपेसिटी कर, तो जो टाइम पहले लगता था 35-50 घंटे का ट्रांसपोर्ट का ऑन दीज रूट्स, वो अब लगेगा 18-20 घंटा ऑन अ डेडिकेटेड EDFC। तो आप समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली क्योंकि रेलवे सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट का मीडियम है लैंड पे, तो इसका यूजेज सबसे ज्यादा बढ़ेगा। और जब यूजेज बढ़ेगा तो सबसे बेनिफिट को होगा वो होएगा कंटेनर कॉर्प को। क्यों? क्योंकि कंटेनर कॉर्प ही गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करती है कार्गोस को, तो इसलिए इसका जो अर्निंग पर शेयर है जो आज 19.5 है, तो थोड़े टाइम में आप देखेंगे कि इसकी जो अर्निंग्स बढ़ने लग जाएंगी, क्योंकि इसको प्रॉफिट मार्जिन, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, इसके कमर्शियल बढ़ेगा, तो इसके वॉल्यूम्स, रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स सब में इंक्रीज आएगा ग्रेजुअली, जिससे इसकी वैल्यूएशन और सस्ती होगी। तो जो PES का डिक्लाइन होएगा ग्रेजुअली और फिर वो फाइनली इम्पैक्ट करेगा इसके प्राइस, तो प्राइस इसका एक शूटअप हो सकता है आने वाले टाइम में। अब ये वन डे प्रोसेस नहीं है क्योंकि अभी ये स्टार्ट हुआ है, कंपनीज आने फ्लो शुरू होगी, लेकिन एक अगर आपको एक बहुत ही कॉन्स्टेंट
और रेगुलर ग्रोइंग स्टॉक है तो ये एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अब बात करते हैं इसके क्विकली हम लोग टेक्निकल्स पे, तो देखें सेम चीज आप इसके चार्ट देख के भी विजुलाइज कर सकते हैं कि अप्रैल 7 से देखिए एक बहुत ही अच्छा चैनल बना के चल रहा है ये कॉन्स्टेंटली, जिसमें हायर हाई हायर लो बनाता हुआ चल रहा है 2007 से। क्योंकि जैसे हमने बोला कि जैसे जैसे मार्केट में कमर्शियल एक्टिविटीज और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ रहा है, वैसे वैसे कंटेनर्स का यूजेज, कार्गोज का मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो ये वॉल्यूम्स तो ग्रेजुअली बढ़ने ही हैं। और विद टाइम जैसे जैसे इंडिया की स्टोरी और इनफैक्ट इंडिया की जो रूरल स्टोरी भी ग्रो कर रही है, उससे और इसका वाइब्रिटी बढ़ेगी और इसका यूजेज और वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। तो सेम चीज इसके चार्ट में हमको नजर आ रही है। देखिए इसने एक 2007 में एक हाई बनाया था करीब 283 रुपीज का, तो जिस पे काफी टाइम रहा, उसने ब्रेकआउट दिया मार्च 14 में और उसके बाद उसने देखिए फिर ऊपर एक जो रेजिस्टेंस लाइन है चैनल की वहां तक गया जो कि था 575 रुपीज, और फिर इस रेंज में अप्रैल 15 से और मई 21 तक उस रेंज में बाउंड रहा, जिसने उसने नीचे उसका जो सपोर्ट लाइन थी वहां भी उसको टच किया और फिर से ब्रेकआउट दिया और फाइनली मई 21 में इसने ब्रेकआउट दिया। अब देखिए ब्रेकआउट देने के बाद इसने एक हाई बनाया 750 रुपए का, जिसपे इसने कई बार जून में, सितंबर में, अगस्त में उसमें इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, गया भी 800 रुपए तक, लेकिन फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर नीचे जो सपोर्ट था इसका, जो इसका ब्रेकआउट था वहां तक आके 550 रुपए तक आया, फिर वहां से फाइनली इसने एक ब्रेकआउट दिया। अब देखिए इसने क्या किया है, अब ये दो इंस्टेंस पे है, एक इसने जो इसका जून 21 से 2 साल का ब्रेकआउट रेजिस्टेंस था 750 रुपए का, उसको यहाँ डिसाइडिवली ब्रेक किया है विद बिगर कैंडल्स, जिसमें इसमें वॉल्यूम आई है, प्लस जो इसने एक हाई बनाया था 810 रुपए का, उसको ब्रेक करके अच्छे से सस्टेन किया है लास्ट 2 वीक, तो 810 के ऊपर ही 860 तक आ गया है। अब इसमें देखिए दो चीजें हैं, अब ये फिर से उस चैनल के रेजिस्टेंस पॉइंट पे आ गया है। देखिए फिर से छोटा करते हैं चार्ट को, तो जो इस 2007 से जो रेजिस्टेंस चल रहा था जहाँ पे इसने यहाँ पे भी टच किया था नवंबर 22 में, अब वहीं पे इसने फिर से पहुंच गया है। अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये रेजिस्टेंस से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आया जैसे कि हमने पास्ट में देखा, जब जब इस पे आती है तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती है, कंसोलिडेशन आता है, या फिर इसने एक ब्रेकआउट आया इस चैनल, तो अब हमें वेट करना है इस चैनल के ब्रेकआउट का। और अगर नीचे में आता है तो इसके एक बहुत अच्छे सपोर्ट जोन होंगे 810 रुपए और उसके नीचे 750 रुपीज, तो 810 और 750 रुपए, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हैं, तो जिस पे आपको हर लेवल पे एक्युमुलेट करना है। अगर यहाँ पे 800 पे आता है, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम 800 पे आया था अक्टूबर 22 में, तो ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर का कंसोलिडेशन हुआ और उसको ब्रेकआउट किया है, तो 810 का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। अगर वो भी ब्रेक होता है, उम्मीद कम है, तो नीचे 750 रुपए सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा और तो दोनों ही आपके एक्युमुलेट जोन रहेंगे, और ऊपर में जैसे ही ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ये एक अप मूव रैली दिखाएगा, क्योंकि ये जैसे हमने पास्ट पिछले 14 साल का देखा है, ये हायर हाई लो में तो चलता है, तो सडन अप मूव भी नहीं आएगा, लेकिन ये एक आपको कांस्टेंट रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। अगर हम देखें इसका पास्ट में रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, तो पिछले 10 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी 11% इसने रिटर्न दिया है, 11% पर एनम रिटर्न दिया है, जो कि अब पोटेंशियल लगता है कि ये 15-20% तक एनुअल रिटर्न देने का रखता है आफ्टर दिस डेडिकेटेड कॉरिडोर। तो अगर आपको एक 15-20% तक रेगुलर एनुअल रिटर्न चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक हो सकता है पोटेंशियल। तो आपको अच्छा लगा कि क्यों ये स्टॉक आने वाले टाइम में एक पोटेंशियल रखता है, तो हम इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे और देखेंगे कि आगे कहाँ कैसे देखो दिखाता है ये स्टॉक, और फिर इसका हम बात करें। अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।